बहुत दर्द हो रहा है जी, पता नहीं यार लेबर पेन है या क्या है यार, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो मैं देख रहा हूँ कुछ देर का वेट करूँगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर चल लेंगे हॉस्पिटल तुरंत हम। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग। तो जी हमने कर लिया वॉक, अब सीधा चलते हैं नीचे। मौसम आज भी बड़ा मस्त है, सूर्य देवता उधर नजर आए और हमारा इधर वॉक पूरा हो गया। बाकी सूर्य देवता जो आँख मिचौनी का थोड़ा खेल खेल रहे हैं, कभी निकल रहे हैं कभी डूब रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो रहा है। चला जाए नीचे। और जिया यहाँ पर आ गई है जी अपना चाय बनाने के लिए, सुबह सुबह एकदम गर्मा गर्म चाय। वो तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल, हमें इंतजार है बस सत्तू का, तो हम जा रहे हैं अपना सत्तू बनाएंगे। आप बनाओगे या हम बनाएं? कोई भी बना लेगा। बोलिए आप। अरे तुम बनाओ या हम बनाए, बात एक ही ना। अच्छा, यहाँ पे पतिदेव अपना हिसाब कर रहे हैं सुबह सुबह। सारा खर्चा देखते हैं कहाँ गिर रहा है। ताकि जो पत्नी सोचेगी गायब कर लेंगे, वो गायब नहीं पाएंगे। आप ही गायब कर देते हैं, हम काहे करेंगे। सब सबकी पत्नी करती है, मेरा पति ही कर देता है, बाद में पता चलता है। अच्छा, यहाँ गायब। अब जमाना ऑनलाइन हो गया है ना। अच्छा, ऑफलाइन जमाना रहता था तब पत्नी को निकाल लेते थे। हाँ। लेकिन अब ऑनलाइन जमाना है तो ज्यादा स्मार्ट हम ही लोग हैं। पत्नी चुप रहती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ज्यादा स्मार्ट है। पत्नी ये समझती है कोई बात नहीं, कौन लिया, पति ही लिया। तो फाइनली जी निपटा लिया अपना काम, और काम करते करते मुझे ख्याल आ रहा था कि पिछले साल जो कोरोना आया था, इस दो साल में ना जाने कैसी हालत थी हमसे। दो साल ने जॉब मार्केट और हायरिंग को पूरा ऊपर नीचे कर दिया, लोगों की नौकरियां चली गई, पे कट्स भी और ना जाने क्या किया। लेकिन एक बात जो सीखने को मिली, हायरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो और उनके साथ रिमोटली काम भी कर सकते। इसका मतलब ये भी है कि जॉब जो है स्किल बेसिस पर होना चाहिए, मतलब इतना सिंपल होना चाहिए कि प्रूव योर स्किल गेट ए जॉब। और ठीक यही काम करता है रिलेवल वे अनअकैडमी। इंडिया का पहला हायरिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको एक टेस्ट के आधार पर अपनी स्किल को प्रूफ करना होता है, और क्वालिफाई करने पर आपको टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब मिल जाती है। ना कोई डिग्री की जरूरत है, ना कोई रेज्यूमे की, और ना किसी एक्सपीरियंस की। और यहाँ जो जॉब मिलती है जी, यहाँ मिलती है आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे कि ओला में, उबर में, क्रेड में, पेटीएम जैसी 200+ कंपनीज में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इन टेस्ट के लिए एक भी पैसा नहीं देना होता है। और इन 10 टेस्ट से आप सेल्स, एचआर, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स और एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसी जॉब पा सकते हैं। अभी तो उन्होंने 3 और नई टेस्ट लॉन्च किए हैं, जिससे डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉकचेन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जहां पर ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सकते हैं। रिलेवल के जरिए आप इन सभी कंपनी जो रोल्स के लिए एलिजिबल है, चाहे आप कितनी भी बार टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, यहां पर आपको किसी भी कूल डाउन पीरियड का वेट नहीं करना होता है, जो कि जनरली ऑफलाइन इंटरव्यूज में देखा जाता है। रिलेवल ने अभी तक 16 करोड़ के वर्ष से ज्यादा जॉब लगवा चुके हैं, और फरवरी में तो हर दिन 15 लाख तक के जॉब लगवाए हैं। आप इन सभी कैंडिडेट्स के प्रोफाइल इनके ट्विटर हैंडल पर देख भी सकते हैं। इनके टेस्ट के सभी राउंड ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं, मतलब कंपनी इंडिया में कहीं से भी हो आप जो है घर बैठे जॉब ले सकते हो। और इसके ऊपर जिन्होंने पहले रजिस्टर किया है, उनके लिए तो क्वालिफाई करना और आसान हो गया। रिलेवल ने क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया 700 से अपडेट करके 500 कर दिया है, मतलब आपके सिलेक्ट होने के चांसेस तो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इंटरव्यू का डेट जो है अपनी सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं, ना ही आपको ऑन साइट जाकर के इंटरव्यू देना है, ना ही इंटरव्यू देने के लिए आपको वेट करना है, मतलब आप घर बैठे ही जॉब ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, कैंडिडेट्स को सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए रिलेवल हर महीने गुडीज सेंड करता है, और अपने टॉप 3 कैंडिडेट्स को एप्पल के प्रोडक्ट्स भी सेंड करते हैं प्राइज में। आप सिर्फ एक सैनअप दूर है इन सभी अपॉर्चुनिटीज से। एक टेस्ट आपका करियर डिफाइन कर सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री। चाहे आप फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, सभी एलिजिबल है रिलेवल के लिए। तो जी देरी किस बात की, लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आज ही जाइए और साइन अप करिए। The next day. जिस बारिश का हम लोग इंतजार कर रहे थे जी, वह बारिश तो आ गई, और बहुत ही अच्छा रहा कि बारिश आई। बहुत दिनों से हम लोग इंतजार भी कर रहे थे कि बारिश आए, लेकिन बारिश के साथ जो है आंधी भी आई, और जबरदस्त आंधी आई। मेरा गमला लेके भाग गया आंधी। तो देख सकते हैं जी क्या क्या हुआ है। यहाँ पर एक गमला रखा हुआ था ऊपर, वो गिर गया नीचे उस पार, और कुछ कुछ जो है पौधे वह सब हो चुके हैं खराब। जो भी पौधा छोटा साइज का था वह तो बच गया, जैसे कि यहाँ सब देख सकते हैं। जो भी बड़ा साइज का था वह इस तरह से जड़ से उखड़ गया या झुक गया, पता नहीं डाल टूटा है कि नहीं टूटा है, वह तो बाद में पता चलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ सब तो कुछ कुछ बच गए, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो एक हमारा बड़ा पौधा हो चुका था, अच्छा खासा फूल भी आना इसमें स्टार्ट हो गया था, उसका क्या हल हुआ है। उम्मीद करते हैं यहाँ जड़ से नहीं टूटा हो। कल जो है बहुत सारा कपड़ा जो है यहाँ टंगनी पर रखा हुआ था, क्योंकि बारिश तो आ नहीं रही थी, तो सभी को लगा कोई बात नहीं, तो सभी में चिमटा लगा हुआ था तब उखड़ गया है। वाह,
लास्ट में। तो इस चिमटे का भी कोई असर नहीं पड़ा और वहाँ जब ऊपर आए तो देखिए सब जमीन पर है, फर्श पर। ये तूफान का जबरदस्त असर हुआ है जो अभी आपको हमने कुछ देर पहले दिखाया था छत पर, और नीचे भी असर हुआ है हमारे घर के अंदर। क्या हुआ दिखाते हैं सीधा चलकर। तूफान के चलते कहीं न कहीं बिजली बाधित है। हाँ, बिजली बाधित होने के चलते पानी की समस्या, तो नल के द्वारा पानी की समस्या थी। और डैडी जब नहाने जा रहे थे ट्यूबवेल का डंडा टूट गया। विचित्र संजोग है, पानी का आस था ट्यूबवेल के जरिए, डंडा यह टूट चुका है आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा हाल है यार, लगता है बाथरूम जाना और नहाना सब कुछ जो है अब हराम हो चुका है। को भी जो बुलाएंगे 9 बजे से पहले कोई आएगा नहीं, और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। यहाँ पर टिकोला की बना रही है चटनी, ढेर सारे टिकोला यहाँ पर है। और भी आज रात में गिरा होगा, बहुत सारा आया होगा मार्केट में। हाँ, मार्केट में भी आया होगा। मोनू के यहाँ बहुत सारा आम का है, गिरा होगा बहुत। और हम जा रहे हैं जी नीचे, लाइट तो है नहीं, तो इन्वर्टर का कनेक्शन जहाँ पर है वहाँ पर जा करके इसको लगा देते हैं चार्जिंग पॉइंट में। अभी बज गए हैं 9, अभी तक तो बिजली आई नहीं है, और एक ही सहारा या पानी का वहाँ हमारा ट्यूबवेल। तो अब ट्यूबवेल को ठीक कराने के लिए चलते हैं जा करके मिस्त्री को लेकर के आ जाते हैं। A few moments later. तो उधर हमारा ट्यूबवेल भी ठीक हो चुका है और इधर जो है बिजली भी आ गई है, तो अब ट्यूबवेल ठीक होने का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ हमारा खाना लग गया जी, और खाने में आज कुछ खास है, यहाँ आम की चटनी। मोलू ला करके टिकोला दे दिया, तो वो आम की चटनी नहीं है, आम की चटनी कच्चा आम का जो पिसा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, और जैसे मेरी माँ सिखाई हमको, लेकिन इसको गुरम्बा कहा जाता है। ये गुड़ डाल के बनता है। माँ लोग पहले गाँव में तो खजूर गुड़ नहीं मिलता था, माँ लोग साधारण गुड़ डाल के बनाती थी, फिर भी हम लोग बहुत पसंद करते थे, बहुत खुशी से खाते थे। आजकल के बच्चों की तरह नहीं है कि ये नहीं वो नहीं बुला नहीं चिल्ला नहीं, हम लोग को जैसे रखा जाता था वैसे ही रहते थे। और तीसरी बात है, आज हम लोग संजोग से बच गए शाश्वत के डैडी के गांठ से, आंधी के चलते लाइन कटा। लाइन कटा जब से हम देव बाबू नहाने गए तो ट्यूबवेल का डंडा भी टूट गया, दोनों साथ हो गया। अगर आज इसमें से 5 व्यक्ति में से किसी और से टूटता घर का और सदस्य से, तब कहते तुम लोग आदमी नहीं है, दिमाग कहीं और रहता है, काम कहीं और करते हैं। लेकिन इतफाक था ये घटना उन्हीं के द्वारा घटी, तो हम लोग डांट से बच गए जी। अभी अभी सो करके उठे हैं, थोड़ा सा दिन में जो है अपना नींद ले लिया 1 घंटा के करीब, और चलते हैं मार्केट। मार्केट में कुछ काम था, कुछ सामान लेना था, तो जा करके लेते हैं। भाई 2 नारियल लगाना, 2 नारियल। कैसे तरबूज भाई? तरबूज 20 का। अच्छा है ना, काट के दे दी, दिखा देंगे। दिखा दीजिए 2 किलो। तो फाइनली जी पहुंच गए घर, सारा सामान लेते आए, और जी आज देख रही है कि कब मेरा नारियल पानी आएगा, इंतजार रहता है नारियल पानी का। तुम अपना नारियल पानी पियो, हम अपना तरबूज खाते हैं, तुम्हारे लिए काट के रख दिया जाएगा बाद में खाना। तो सारा फल तो कट गया, अब इसको जा करके नीचे दे आते हैं, सभी लोग खाएंगे। जिस ईश्वर की मैं दिन रात प्रार्थना करती हूँ, उनसे जरूर दुआ मांगती हूँ कि जो बेटा रोज फल खिलाता है उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो आज हमारे लंदन से सब्सक्राइबर आए हुए हैं मिलने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? ज्योत्सना। और आपका नाम? प्रत्युषा। तो ज्योत्सना का मुझे ध्यान है, ट्यूशन पढ़ाने जाते थे इसके भाई को, तो इसके भाई को ट्यूशन पढ़ाते थे, ये भी हमारे गोद में बैठ जाया करते थे। मालूम चला कि चलिए अभी अभी हमारा वीडियो देख रही है, तो काफी अच्छा लगा। इसके पापा मेरे स्टाफ भी हैं, और पड़ोसी भी हैं, और रिश्ते में देवर भाभी भी। अच्छा चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। The next day. या उधर रामायण देख रही है, और रामायण देखने के साथ साथ जिया की हालत भी खराब है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, और अंदर जो है बेबी का थोड़ा उथल पुथल भी मच रहा है। रामायण देखते देखते लगता है जोश में आ गया और रावण वध देखने के लिए। पूरा इस जिया के शरीर में जो है अच्छे से मालिश भी हो चुका है, DFO जेल सब लग चुका है, लेकिन फिर भी अभी कोई आराम नहीं मिल रहा है। जिया के कमर और शरीर में पूरा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है जी। पता नहीं यार लेबर पेन है या क्या है, या मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं देख रहा हूँ कुछ देर का वेट करूंगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर चल लेंगे हॉस्पिटल तुरंत हम। The next day. तो जिया यहाँ पर बनाना शेक पी रही है, इसको पीने का लगता है मन कर नहीं रहा है, आज बताना अच्छा नहीं लगा। तो आप चलते हैं जिसको डॉक्टर के पास लेकर के, कल जैसा सिचुएशन था काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था मुझे, लेकिन ठीक हो गई थी, लेकिन अब जो है डॉक्टर के पास विजिट करना जरूरी होगा। तो जिया नहीं पी रही है, जिसको जो है राज की बात पता चल गई है। तो सीन क्या था मैं बताता हूँ, ये था कि दूध बहुत कम था, लेकिन शेक तो पीना ही था, इसमें मैंने पानी मिला दिया है। हम कहते 2 गिलास बनना जरूरत क्या था, आधे गिलास पीते हम। नहीं बहुत कम था दूध, बहुत कम दूध था, इसलिए बहुत ज्यादा पानी लगा।